हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं ग्लूटेन फ्री उपमा। सो उसके लिए जिस सामान की हमें ज़रूरत है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन को चॉप करके लिया है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर को चॉप किया, शिमला मिर्च है आधा कप चॉप की हुई, बीन्स क्वार्टर कप मटर के दाने और क्वार्टर कप कैरेट को चॉप करके लिया है, 2-3 क्लाउस गार्लिक की हमने चॉप करके ली है, 15-20 फ्रेश कड़ी के पत्तों को काट के लिया है, 1-2 हरी मिर्चें भी इसी के अंदर हमने काट कर ली हैं। और ये है 3/4 कप ब्राउन राइस का रवा। ब्राउन राइस को धोकर किचन टॉवल पर फैलाकर पहले हमने एयर ड्राई किया 10-15 मिनट के लिए, और फिर उसको मिक्सी में पीस कर लिया है। मसालों में हम हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा, राई, अमचूर और हींग लेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए, ऊपर से डालने के लिए घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स और 2 कप पानी। अब गैस ऑन कर ली हमने, फ्लेम को मीडियम स्लो पर रखा है। एक पैन लिया, उसके अंदर 1 चम्मच अवाकाडो ऑयल डाल दिया। यहाँ पर हमारा पानी भी गर्म हो गया है उपमे में डालने के लिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जीरा, जब जीरा चटकने लगा तो हमने इसके अंदर राई डाल दी, साथ में हींग भी डाल दी और अनियन डालकर 1 मिनट के लिए इनको सोते कर लिया। 1 मिनट तक अनियन को सोते करने के बाद एक एक करके सभी सब्जियां हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस शिमला मिर्च बचा कर रखेंगे, उसको हम बाद में डालेंगे। शिमला मिर्च पकने में कम टाइम लेती है, इसलिए हम उसको सभी सब्जियों के साथ नहीं डाल रहे हैं। सब्जियाँ आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जो भी हाथ में अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हमने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करके ढक कर इसको 5-7 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ दिया। इसके अंदर हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, जो ढकने के बाद स्टीम बनेगी ये उसी से पक के तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी सब्जी स्टीम हो रही है, साथ में हम ब्राउन राइस की सूजी भी भून लेते हैं। उसके लिए एक पैन ले लें, 1 छोटी चम्मच घी उसके अंदर डाल दें और सूजी डालकर लगातार चलाते हुए मीडियम स्लो फ्लेम पर भून लें। इसको लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है और फ्लेम को मीडियम स्लो पर होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सूजी नीचे लगकर जल सकती है और हमारे उपमे का स्वाद ख़राब हो सकता है। हमारी सूजी भी भून चुकी है और सब्जी भी स्टीम हो गई है अच्छे से। अब इसमें हम एक हरी मिर्च, कटी हुई शिमला मिर्च यहाँ पर ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें एक बार, और फिर इसके अंदर 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल दें ताकि हमारे उपमे के अंदर थोड़ा सा खट्टापन भी आए। अब जो हमने ब्राउन राइस की सूजी भून के रखी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे, और एक बार सूजी और सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 कप गर्म पानी डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ढक कर इसको 5-7 मिनट तक पकने दें। जब तक हमारा ये उपमा पकता है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जो लोग सीलिएक हैं या ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, वो सूजी के बारे में कंफ्यूज ना रहें। जो मार्केट में सूजी मिलती है वो क्रीम ऑफ व्हीट होती है, उस पैकेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेंशन ही होता है, लेकिन अगर नहीं है तो भी वो गेहूं की बनी होती है, उसके अंदर ग्लूटेन होता है। सो जो सीलिएक हैं वो उसको नहीं खा सकते। तो जो उपमा है या साउथ इंडियन जो खिचड़ी है वो सूजी की बनती है, मतलब गेहूं की बनती है। तो जिन लोग जो लोग इसके शौकीन हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सीलिएक डायग्नोस हो गए या उनको एलर्जी हो गई गेहूं से, तो वो इसको मिस नहीं करेंगे। ये एक आइडिया कह लो या सब्स्टिट्यूट कह लो ग्लूटेन फ्री खिचड़ी का मैं लेकर आई हूँ अपने लिए और आप लोगों के लिए, कि इस तरह अगर आप ब्राउन राइस का बनाकर उपमा खाएंगे तो आप उपमे को मिस नहीं करेंगे। और एक ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ रेगुलर उपमा। यहाँ पर हमने इसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ डाली हैं और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम ड्राई रोस्ट करके डाल रहे हैं, थोड़े से घी में उसको भून कर डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के हिसाब से डाल दें। उपमे के अंदर हमेशा मूंगफली डलती हैं, लेकिन मुझे मूंगफली से एलर्जी है तो मैं मूंगफली नहीं डाल रही हूँ, पीनट नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको पीनट से एलर्जी नहीं है तो आप पीनट को इस तरह घी में थोड़ा सा भून के डाल लें, वो बहुत अच्छी लगती है, क्रंची। इसके अंदर हमने काजू डाले हैं, पिस्ते डाले हैं, थोड़े से बादाम और किशमिश। एक तरह से इसको आप नमकीन हलवा भी बोल सकते हैं सब्जियों के साथ, ऑलमोस्ट हलवे का टेस्ट इसके अंदर आता है। आप इसको उपमा कहें, साउथ इंडियन खिचड़ी कहें, या आप इसे कहें नमकीन हलवा। हमने यहाँ पर इसके अंदर
ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे, देसी घी। ये घी हम जब डालेंगे जब हमारा उपमा ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। घी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस एक मिनट और स्लो फ्लेम पर इसको ऐसे पकने दें। और आप देखिए, आप इसको तब बंद कर दें गैस को जब आपको लगे कि आपकी जो पैन है, कढ़ाई है, उसके साइडों से आपकी खिचड़ी थोड़ा सा घी छोड़ने लगी है। सो हमारा जो उपमा है, हमारी सूजी की जो खिचड़ी है, वो बनके तैयार हो गई है। बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, सो और बहुत इजी है बनाना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो घर में नहीं मिलता। ब्राउन राइस हमेशा वाइट राइस के मुकाबले हेल्दी है होते हैं। ब्राउन राइस के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइट राइस में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही रह जाते हैं। तो ब्राउन राइस एक हेल्दी ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ वाइट राइस। तो इसमें ब्राउन राइस है 3/4 कप, 2 कप हमने इसके अंदर पानी डाला है, बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, देसी घी डाला है, सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। टेस्ट में रेगुलर उपमा से ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। अब सर्व करने की बारी है और हम इसको अपने घर के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर के पास लेकर जाते हैं और उनसे पूछेंगे कि कैसी बनी है। देखिए कितनी अच्छी दिखती है लुक में, इतनी टेस्टी है, जितनी दिखती है ना उतनी ही टेस्टी है। मन करता है अभी खा लूँ, पर पहले पापा जी को सर्व करेंगे। बताओ कैसी बनी है? बहुत बढ़िया है, एक वन, आई लाइक इट वेरी मच, वेरी गुड। मैं तो कहने वाला था और बना करो रोज ऐसी। ये हमारा उपमा बनके तैयार हो गया है। साउथ इंडियन खिचड़ी भी इसको आप बोल सकते हैं, नमकीन हलवा भी बोल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसके अंदर और सारी सब्जियां हमने इसके अंदर डाली हैं। बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हमारा बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें।